अजय देवगन स्टारर गोलमाल अगेन दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में आ रही है तो वाशुभग नानी ने अपनी नई फिल्म गोलमाल इन न्यूयॉर्क की घोषणा कर दी है। पर इसी बीच खबरें आ रही है कि दोनों ही फिल्मों के कर्ता धर्ताओं के बीच गोलमाल को लेकर ही ठन गई है। जाने कौन से स्टार बन रहे हैं गोलमाल इन न्यूयॉर्क का हिस्सा और क्या है विवाद। गोलमाल इन न्यूयॉर्क में सोनाक्षी सिन्हा और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में होंगे। यही नहीं फिल्म में लारा दत्ता, बोमन ईरानी और करण जौहर भी अहम भूमिकाओं में होंगे। जाने फिल्म के बारे में। गोलमाल इन न्यूयॉर्क के बारे में वाशुभग नानी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वाशु काफी समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में कॉमेडी का जोरदार तड़का होगा। यही नहीं वाशु इस फिल्म के सीक्वेल तक के बारे में सोच चुके हैं। जाने सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कुछ कहा। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। सोनाक्षी ने कहा कि हमने इस फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है। मैं पहली बार वाशु जी के साथ काम कर रही हूँ। दिलजीत सोनाक्षी पहली बार पूरी फिल्म में साथ काम करेंगे। जाने इंडस्ट्री में इस बात को लेकर क्या हलचल चल रही है। सोनाक्षी दिलजीत की इस फिल्म का इंडस्ट्री में भी इंतजार हो रहा है। इसकी वजह है इसका बड़ा स्टार कास्ट, साथ ही फिल्म का बजट भी अच्छा है। ऐसे में देखना यह है कि गोलमाल टाइटल को लेकर लड़ाई कहां तक जाती है।